नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही 9 दिनों के साथ इस महापर्व में भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय भी करते हैं, ताकि माँ दुर्गा की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी हो, जीवन में सुख समृद्धि आए, कष्ट दूर हों। लाल किताब ज्योतिषी के कुछ ऐसे उपाय बताए जाएंगे दोस्तों इस वीडियो में, कि आपकी रूठी हुई किस्मत भी चमक जाएगी, आप अपनी रूठी हुई किस्मत को भी चमका सकते हैं। आज हम नवरात्रि के कुछ अचूक उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपको तेजी से फायदा पहुँचाते हैं और बहुत ही आराम से आप उन उपायों को कर सकते हैं। उन उपायों को करने के लिए आपको ज़्यादा विशेष चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, अधिक धन भी नहीं लगाना है, यानी कि बहुत ही कम धन में आप ऐसे अचूक उपाय कर सकते हैं जिससे आपको अत्यधिक फायदा होगा। मात्र 1 या 2 रुपए के कुछ ऐसे ही उपाय होते हैं जो आपको आपके सभी संकटों से दूर कर सकते हैं। नवरात्रि माता रानी के दिन हैं, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है। भक्त का भाव ही काफ़ी होता है माता को प्रसन्न करने के लिए, और जब माता प्रसन्न हो जाती है तो वह अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेती है। दोस्तों, कौन से हैं वे उपाय, किस प्रकार से करने चाहिए, आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सच्चे मन से एक बार जय माता दी अवश्य लिख दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, उपाय इस प्रकार से हैं। अगर आप आर्थिक संकट में हैं, आपको आर्थिक संकट दूर करना है, आप धन से संबंधित परेशानी में चल रहे हैं, तब आपको अपने इस आर्थिक संकट से दूर होने के लिए आप एक काम कीजिए, नवरात्रि के किसी भी दिन आप एक पीले कपड़े में 2 लौंग, 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दीजिए। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके इन चीज़ों की पोटली बनाकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी और आप तेजी से संपन्न होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर हम तिजोरी नहीं रखते हैं, तो आप जहां भी धन रखते हैं उस जगह पर आप इस पोटली को रख सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों, अगर आप मनपसंद नौकरी चाहते हैं, बेरोजगार हैं या मनपसंद नौकरी चाहते हैं लेकिन मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो नवरात्रि में रोजाना माता रानी की पूजा करें और लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। इससे बाधाएं दूर होंगी और आपको आपकी मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी। दोस्तों, राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए लौंग का उपाय भी किया जा सकता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु या केतु उसे परेशान कर रहे हैं, उसके लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को भी नवरात्रि में दूर कर सकता है। दोस्तों, राहु केतु के अशुभ प्रभाव से निजात पाने के लिए नवरात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें, इससे राहु और केतु का अशुभ प्रभाव दूर होता है। दोस्तों, अगर आप यह चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहें, क्योंकि कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनके घरों में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है, जिसके कारण उनके घर में सदैव परेशानी बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है अथवा घर में धन से संबंधित परेशानियाँ बनी ही रहती हैं। इन नकारात्मक शक्तियों के कारण अनेक प्रकार के कार्य बिगड़ते रहते हैं। धन आता है तो उसके जाने के रास्ते खुल जाते हैं पहले से ही। इन नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए भी आप नवरात्रि में उपाय कर सकते हैं। घर में झगड़े कलह होते हैं या बीमारियां तनाव से घिरे रहते हैं, तो नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं घर में करें, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, माता रानी की कृपा से आपकी ये सभी प्रकार के कार्य बनने लगेंगे, तो इस नवरात्रि में आप इनमें से किसी भी कार्य को एक बार करके देखिए, आपको अवश्य फायदा होगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।